अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम एमएस वर्ड 2010 में एमएस वर्ड के ऊपर काम करेंगे। हमने एमएस वर्ड 2010 ओपन करना है, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं इसे एक्सपेंड करूँगी और फिर उसके बाद मैं एमएस वर्ड 2010 पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास एमएस वर्ड 2010 ओपन हो गया है। तो MS Word को इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास MS Word 2010 है। अब हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए क्या तरीका है, फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाके न्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास सामने आ रहा है येलो बॉक्स में। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है। अलग-अलग क्लिक करने से नहीं ओपन होगा, तो हम इसे जब डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट बन गया है। अब न्यू डॉक्यूमेंट को हमने सेव करना है, तो सेव करने का क्या तरीका है, फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद सेव एज पर क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे इसका नाम स्मार्ट प्रैक्टिकल के नाम से ये फ़ाइल मैंने सेव करनी है, तो स्मार्ट प्रैक्टिकल्स के नाम से मैंने जब सेव किया तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब हम चेक करेंगे तो अब आप देखें ये हमारे पास स्मार्ट प्रैक्टिकल्स के नाम से डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने क्लोज करना है। क्लोज करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन, ऑल्ट प्लस F4 को क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। फाइल पे जाएंगे और ये एग्ज़िट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तब भी ये फाइल हमारी क्लोज़ हो जाएगी।